आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के वंशकार समाज पर की गई विवादित टिप्पणी का लगातार विरोध हो रहा है। पाटन में वंशकार समाज ने एक बड़ी रैली निकालकर विरोध जताया। पाटन थाने से बड़ी संख्या में वंशकार समाज के लोग रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। इस दौरान वंशकार समाज के तहसील अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में वंशकार समाज के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वंशकार समाज के अध्यक्ष सीताराम का कहना है कि बागेश्वर धाम का बयान निंदनीय है और प्रशासन को कार्रवाई करते हुए उन पर एक FIR दर्ज होनी चाहिए। आज हमारा यहाँ ज्ञापन देने का यही कारण है और आज हमारी समाज के सभी लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पे पाटन तहसील के और जबलपुर के भी आए हैं बहुत से लोग। बाग हमारा यही कारण है कि राजस्थान के सीकर ज़िले में 2 सितंबर को 2023 को कथा वाचन वहाँ चल रहा था राजस्थान में पंडित धीरन शास्त्री का। वहाँ लाखों की तादाद में धीरन शास्त्री ने कोई उनका अगुवाई आया, उसने कहा कि भाई मैं भी ब्राह्मण हूँ। उसने यही शब्द बोला कि क्या मैं बसोड़ हूँ। इस बात का लेकर हमारी समाज सब पूरी जागृत हो गई है और उनसे यही कह रहे हैं कि आपने इस बसोड़ समाज का नाम कैसे लिया। उसको इस धारा ऐसे जैसे उनने बसोड़ समाज का नाम लिया है वैसे ये ST एक्ट के तहत संविधान की धारा 1989 के तहत उनके ऊपर ST की धारा लगाई जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। और सरकार अगर ये मांग हम लोगों की पूरी नहीं करेगी तो ये पाटन तहसील नहीं जबलपुर में भी इसका ज्ञापन दे चुके हैं और पूरे मध्य प्रदेश में दे चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान में इसकी कार्रवाई चल रही है। बस इतना नाम, मेरा नाम सुप्रसाद बैन, संपूर्ण देशवाड़ी वंशकार समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और पाटन तहसील के ये सीताराम कटारे जी यहाँ तहसील संपूर्ण देशवाड़ी वंशकार समाज के अध्यक्ष हैं तहसील में। सर वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं जो उनने जो बसोर बोली है भरे मंच पर, हम लोग नहीं सहेंगे। इतना बोलता हूँ मैं और मैं सीताराम कटारे वंशकार तहसील पाटन अध्यक्ष। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।